दिल और दिमाग दोनों साफ कर लो, क्योंकि दिमाग में ये चलेगा कि आगे क्या होने वाला है और दिल में मनी हाइस्ट के कैरेक्टर बसने वाले हैं। फाइनली मैं वेब सीरीज को देखकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ और इस सीरीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ आप सबका रिव्यूअर। तो आज हम लोग करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 वेब सीरीज की रिव्यू, जो नेटफ्लिक्स की है। अगर इस सीरीज को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो सीरीज एकदम रावस है, देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। जितना हम लोगों ने इस सीरीज से एक्सपेक्ट किया था, ये सीरीज हम लोगों को उससे भी कई ज्यादा देती है। अगर आप लोग इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आप लोगों को लग रहा था कि कब मैं इस सीरीज को देखूं, तो हो सकता है इस सीरीज को देखते समय आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन ऐसे हैं जो दिल को टच करते हैं। बात रही यहाँ पे एक्टिंग की, तो सारी की एक्टिंग आप लोगों को एकदम जहर देखने को मिलेगी। स्पेशल डेनवर की एक्टिंग आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, जैसा कि मुझे पसंद आई थी। और गाइस यहाँ पे आप लोग इस सीरीज से काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, इमोशनल सीन को भी आप लोग काफी अच्छी तरीके से महसूस कर पाओगे। एक बार अगर आप लोग इस सीरीज को देखने बैठ जाओगे तो सीरीज देखकर ही उठोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सीरीज के एपिसोड में जिस तरीके से एंडिंग होती है पब्लिक परेशान हो जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, और इसी के कारण वो अगला एपिसोड देखना स्टार्ट कर देगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बात करें यहाँ पे VFX और इफेक्ट वगैरह की, तो वो आप लोगों को एकदम रियल तरीके से प्रेजेंट होते दिख जाएंगे। और जिस तरीके से सीरीज की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। और यहाँ पे आप लोगों को सीरीज में 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन 49 मिनट से 53 मिनट रखकर प्रेजेंट की गई है। स्टोरी की अगर बात करें तो ये अब एक चोरी नहीं रही, खुद को बचाने की जंग हो चुकी है। सारे मिलिट्री फोर्स ने इन लोगों को पूरी तरीके से घेर लिया है और ये लोग कैसे भी करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं। वहां का माहौल, वहां का सिचुएशन काफी बदल गया है और प्रोफेसर भी एलिसिया के हाथों पकड़े गए हैं। अब इस वॉल्यूम 1 में क्या क्या दिखाया गया है ये तो गाइस आप लोगों को सीरीज में ही जाकर देखना होगा। सीरीज थोड़ी सी खिंची खिंची महसूस होती है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग उसे झेल सकोगे। जिस तरीके से सीरीज की एंडिंग की गई है, बेसब्र हो रहा हूं मैं वॉल्यूम 2 को देखने के लिए। आप भी बेसब्र हो जाओगे अगर आप इस सीरीज को देखते हो तब। अब बात करें सीरीज को देखना कैसा रहेगा, तो अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट का पूरा सीजन देख रखा है और इस सीजन को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इस सीरीज को जाकर जरूर देखो। ये सीरीज छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं, बल्कि बड़ा पैकेट न्यूक्लियर बम है। अगर आप इस सीरीज को मिस करते हो तो आप लोग एक बहुत बड़ी सीरीज मिस कर दोगे। तो जाओ आप लोग इस सीरीज को जाकर देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में।